जंगल पहाड़ कहते हैं, नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो, मुश्किल कुशा अली। अली का नाम सुन के मैं आया हूँ दूर से, झोली को मेरी भर दो मोहम्मद के नूर से। आखिरकार वो मंजिल पा लई है नारंग, जिदे लई उम्र मुक जांदी है पर मंजिल नहीं मिलती। अज तो बाद ना तनु डंग वजेगा ना जहर चढ़ेगा। नारंग ना चढ़े जहर, ना वजे डंग, नारंग। लेकिन याद रख नारंग, इस दुनिया च ताकत का हमेशा गलत इस्तेमाल होया, ते दुनिया च सब तो वड्डा गुनाह भी ताकत का गलत इस्तेमाल है। वादा कर के तू इस ताकत नु कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अज तो हर सब तेरे साए च होवेगा, हत्ता के रूप तारी सब भी तेरे साए तो दूर नसेगा। लेकिन ऐ ना होवे, सब तो ताकतवर इंसान इंसाना लिए आप सब बन जाए। ऐसा नहीं होवेगा बादशाह। इंसान दी नजर च सब बड़ा खतरनाक जानवर है, लेकिन सब दी नजर च इंसान तो खतरनाक कोई जानवर नहीं, क्योंकि सब सिर्फ अपने बच्चे खांद है। लेकिन इंसान हमेशा पैरों के पालों मारता है। तेनू अज तो बाद वो नजर मिल गई है नारंग, जड़ी हर खजाने पे बैठे सपनों देख सकती है। मिट्टी चट्टन वाला है जानवर सोने ते दौलत के ढेर से क्यों बहता है? ताकि दौलत इंसान तो दूर रवे, क्योंकि रजे इंसान बहुत पैड़ा होता है। नारंग ना चढ़ी दै ना मजे डंग, नारंग हर इंसान नहीं अमन का निशान बन जाएगा बादशाह। अमन का बादशाह बन के मरेगा, ऐसी ताकत तेरे को कभी वापस नहीं लवेंगे। ते साढ़े मरण तो बाद जोगियां का बादशाह भी तू ही होवेगा। ये तेरे मरण तो बाद बादशाह मैं बनना है, ते बादशाही मैं आज ही ले लवांगा बादशाह। नमक हराम नारंग, कसू मेरा नहीं तेरा है बादशाह, कि तू असली नहीं सब ते पाले है। पर ये नहीं सोचा कि असली ना सब किन्ना खतरनाक होता है। असी तेरे को हूने ताकत वापस ते नहीं ले सकते, पर तेनु पतवा देने नारंग, ते तेनु कभी तेरे को बड़ा सब मिल जाए, बड़ा सब। नारंग ना चले जाए ना मुझे डंग, नारंग दस इस इलाके सब तू बड़ा खजाना
5000 साल पुराने खजाने से तो रूप तारी सप्पा का जोड़ा पहरा देता है नारंग जिदी हद एक आबशार तो शुरू होती है। सोने दे उस तेरी चो नाग ते नागनो साड़ी बीन कटेगी
किस्मत काल मेहरबान हुई है, जिन्हों मैं लपड़ा सी वो आप मेरे सामने आर खलोता है। अपने बच्चे खा जाता है, उसे कल अपनी नस्ल किवें बचा सकते हैं। नारंग मैं नारंगा, जे तेरी नागन काबू कर ली सी तेस नाग नु भी काबू कर लांगा। काबू करन सा पहला मैं तेरी नस्ल दे होने वाले बाल भी खा जाऊंगा। अगे अगे ते मेरे पैर तुहाडे पिछे पिछे। पैरां विच खलोण दी ताकत ना हुंदिआं वी तुसी इस खंडर दे विच दुध दीआं देगां रखणीआं नहीं भुलदे। बेगम साहिबा पुछ सकना वा क्यों? ए वसीयत मेरे मरहूम शौहर दी है ते दुध दीआं देगां मैं सप्पां नहीं रखणीआं। सप्पा लई सप तुहाडे मित्र ने? हां निजाम, अज तो 20 साल पहले
इस खंडर च मेरे खावंद ते कातलाना हमला होया। डाकू मसला सन ते मेरा शौहर खाली हाथ। फिर एक सप आया, उन्हें साढ़े सारे दुश्मनों नु टंग मारिया। उस दिन तो मेरे खावंद दी इस खंडर के सप्पा नाल दोस्ती हो गई, जड़ी मैं आज तक कायम रखी है। पर फिर इस खंडर का एक सप मेरी नस्ल का दुश्मन है। वो क्यों? यह वाकया भी ऐसे खंडर का निजाम। मैं तो मेरा खावंद हसबे आदत दूध दिया देगा इस खंडर च लैके आए। सब दूध पी रहे सन, एकदम कमाल की चीख की आवाज आई। कमाल होश कर, कमाल होश कर। मेरा बच्चा बचा लो, मेरा बच्चा बचा लो। रब का वास्ता जे कोई जोगी नु बुला दे मेरा बच्चा बचा लो। जोगी बादशाह मेरी सारी जागीर ले लो, पर मेरा बच्चा बचा लो। बचाण वाली रब की जात है। इनू रूपधारी सप ने डंगया, जे एक मौत टल भी गई तो दूजी सिर ते रवेगी। शुक्रिया अदा करें जोगी बादशाह। आओ मेरे नाल, मेरी बीवी ने जरा वादा किया सी मेरी जागीर दी अज रजिस्ट्री ले लो। नहीं चौधरी साहब, रब ने सानू ताकत ते अख्तियार बेचण ले नहीं दिते, ते असा ताकत ते अख्तियार दा कदी गलत इस्तेमाल नहीं किया। पच्चा ले जाओ, पर याद रखना नाग मर गया जे ते हुण उहदी रूह तुहाडे पुत्र च आ गई। तेरी नागन ऐस बच्चे दा पिछा करती रहेगी, क्योंकि यह बच्चा मर गया ते नाग फेर जी उठेगा। तुसी अपने बच्चे नू उस नागन कोलों बचाने की कोशिश करते रहना, करते रहना। ते आज तो बाद यह बच्चा ऐस खंडे च कभी ना आवे, कभी ना आवे। नहीं आएगा जोगी बादशाह, नहीं आएगा। उस नागन तो डर के मैं अपने 5 साल के पुत्र नू लंदन भेज दिता,
हुन ते माशाल्लाह जवान हो गया हुने। निजाम एवी ते हो सकदा कि वो नागन दूध पी पी के अपने नाग की मौत भूल गई हुए, या फिर वो नागन आप ही मर गई हुए। नहीं बेगम साहबा, नहीं, बड़ियां कोलो सुनिए, रूप तारी सप की उम्र इंसान की सोच कोलो कई गुणा ज्यादा लंबी होंगी है। मेरी मनो तुहानू खुदा दा वास्ता जे छोटे साहब नू कदी इत्थे ना भेजना। तो फिक्र ना कर निजाम, मैं खंडर दा हिस्सा ही अपनी जागीर चो कट दियांगी, पर ए कदी नहीं होन दियांगी अपने खामन वांगू ए सप मेरे पुत्र दे वी मित्र बन जान। सप नू ते सप ही समझा सकदा। लाली ते राणी क्यों गैर हाजिर ने? राणी कित्थे वे? असी जानने आ राणी, तैनू अपने नाग दे मरण दा किन्ना दुख ते गुस्सा है, लेकिन सोच उस मां नू किन्ना दुख हुंदा जिदे कल्ले कल्ले पुत्र नू तेरे नाग ने डंग मार के मार दिता। जे बादशाह जोगी ने उस बच्चे नू बचा के तेरे नाग नू मौत दे मुंह विच छुटिया सी, सिर्फ एक मां की ममता नू जिंदगी देन ले। तू नहीं जानती रानी, ओ औरत ते ओदा खामन परसां तो साड़ी नस्लां दे मित्र ने, ओ अज भी हर पूरन माशी दी रात इत्थे दुध दियां देगां लैके आंदी है। दुध दियां देगां इंतकाम इंसान नू जानवर बना दिंदा। रानी, रब ने तैनू जानवर तो इंसान बनन की ताकत दिती है, तू इंतकाम की अग विच चढ़ के इंसान तो जानवर बनना चाहनी है। क्यों? सब सौ साल जीवे ते इंसान बनता है, इंसान एक दिन सिर चुक के जुल्म कर लवे सब को पत्थर हो जाता है। ये रब ने इंसान बनाया ही, इंसान बन के जी रानी, इंसान बन के। तू आज तो पाक कमाल की दुश्मन नहीं, दोस्त है रानी। कमाल दे आसे पासे बेशुमार दुश्मन ने, याद रख ओदे या ओदे घर ते कोई मुसीबत भी आवे ओदा पैरा देना तेरा फर्ज है। ए फर्ज याद भी रखना है ते पूरा भी करना है। ए फर्ज जरूर पूरा होवेगा मेरे आका। ते फिर इस खुशी दे मौके ते तैनू ते लाली नू शादी करन दी इजाजत है।
मेरा वे
मशहूर है के सब की अग कभी बंद नहीं हुई, पर हकीकत है वे कि मैं उधर की तेरी तलाश च अख खुली रख के फिर लावा। अच्छे अख मैं हमेशा नहीं बंद कर देंगा नारंग नारंग ना चढ़े जहर ना बजे डंग फिर नारंग घबरा ना है ना रवेगा ना ना रवेगा रंग लालिए तू मर गई ते मैं हो जा इंतकाम बनांगा ते आसमान तो अशरफ अल मखलूकात बन के उतरन वाला इंसान तबा तबा कर दा जमीन खाली कर देगा। समझ ले शुक्रिया इस जहान दा सफर एथो तक किसी पर मैं तेनू उस जहान नहीं भुलांगी तू तो मेरे कातिल इस जहान ना भूली ना भूली लालिए लालिए नारंग ना चले जहर ना बजे डंग बोल बच्चा किस तरह है। मैनू एक रोग है नारंग जिदा इलाज सिर्फ तेरे कोल है। ओ माजूर माई तेनू की कह रही है। ओ मैनू उस माजूर माई दा कोई फिकर नहीं नारंग उदा जवान पुत्र कल विलायत तो वापस आ रहा है उदे लई कोई हो जा सब तैयार रख जिदा डंग खा के ओ पानी न मंगे। ए बच्चा तेरे तू ज्यादा खतरनाक सप्ते मेरी पिटारी च नहीं जेड़ा अपना भरा मार चुकया है पर जाए नू सैर देके माजूर कर चुके है ते हुण अपने भतीजे नू मारना चाहुंदा है किन्ना वड्डा सप्पे तू किन्ना वड्डा सप्पे तू। आजा आजा मेरी पिटारी च बंद हो जा। नारंग नारंग मजाक दा वेला नहीं तेनु याद है तेरे ते मेरे दरमियान एक मुआहदा होया सी ओदी जागीर साढ़े 50-50 होगी। नारंग पर उन्हें काबू करन ले एक सपली तेरे घर विच भी है। बेवकूफ रब ने तेनू खूबसूरत दे दी है जे उस नाई ते आ जाए तेनू जहान दे रूप विच पूरे हिंदुस्तान ते हकूमत करता है। कमाल देख मामूली जिया बंदा है। फिर तेरा की मशवरा है पहले तीनों दे पीछे पा जे बेरी कम ना आई ते असी भीम हाथी फड़ लांगे जा ते अपनी तीनों कहो कि कमाल नु काबू कर लई अपना मुंह एयरपोर्ट वाल कर लेवे।
हेलो अम्मी जी कितने तेन सामने वेख के सानू अपना प्यो भूल गया है तेन मां नहीं भूली वो भी कोई इंसान है शैला जिन्हों मां ते मौत भूल जाए वो भी कोई बंदा है जेड़ा जिंदगी का निशाना रवे सब कुछ होवेगा लेकिन मां नू मिलन तो बाद कम ऑन मां जी कमाल मां जी तेरे बच्चे ऐ औलाद भी की चीज है अखा तो दूर होवे ते गम नाल नींदर नहीं आंदी जे सामने होवे ते खुशी नाल नींदर नहीं आंदी ते माओ मूरत मां जी जेड़ी पुत्रा नु सुत्या जाग के नजर आंदी रहंदी क्या ये बेहतर नहीं एक दूजे नु मस्का लान दी बजाए मेहमानों नु मिलता जाए मेहमानों ने इंतजार कर दिया ते 20 मिनट नहीं हुए मां ते 20 साल तो रात तक रही है कुछ देर ते इन मेरी नजरों दे सामने रहन दे शैला हुण ते मैं इत्थे ही रहना है मां जी बस जरा जागीर कुम फिर लैण दो पर मां जी इत्थों दी ते अशाई बदल गई है पर खंडर अज भी उस तरह खतरनाक ने कमाल उस पासियों मैनू अज भी तत्ती हवा आंदी है तेरे ते मेरी सिर्फ इक्को ही पाबंदी है बेटा ओना खंडरां वाल तेरी कंड रहनी चाहिदी है भाभी तुसी ते इस तरह डर रहे हो जिवें ओना खंडराई च दी मौत अल्लाह ना करे तुसी फिकर ना करो आंटी जी हुन कमाल दी रहनुमाई मैं करांगी ना फुल्ली पेगा ना पटकेगा इसलिए कि इहदे हर सफर दी हम सफर हुन मैं आ ਆਉ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆਂਗੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ Thank you.
अपने मोहसिन का ना पूछ सकना? मैं तेरे से कोई एहसान नहीं किया बहू, तेरे प्यो का पुराना एहसान लाया। मेरे घर नहीं चलेगा? जब अपना कोई घर ना हो किसी के घर जाने का कोई हक नहीं, नाल दुश्मनों को बच के रहा कर यार, कड़ी कड़ी साढ़े को तेरे कंड नहीं होकर जी जाने। कमाले, ना सज्जन का पता लग गए ना दुश्मन का पता, कौन सा ने लोग ओए ओ दो ते तुसी अन्ने जे फिर भी कमाल बच गए, कमाल हो गया। काश मैं त्वाड़ी था ते खूंखार कुत्ते भेज देंदा ते ओदी टिक्का बोटी कर देंदे। कौन सामने आया ते नहीं ओए हुन मैंने इंतजार करना पड़ेगा। ओ कदों कल्ला सैर से निकलता है। नारंग दे नसीब देखो, रब ने दुश्मन भी दिते ते सब जिनू कयामत तक मारदा रहा, ते कानून हट कर ही नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। हथकड़ी रख भी दंदी ते हिसाब मैं ही लेना सी। नारंग तेरी अदालत मेरी अख, तेरा फैसला मेरे हाथ, ते मेरा फैसला ही नारंग के मैं लाली दे बदले ने कोई तान मार देंगा। इस इलाके हर पास सब भी सब नजर आएंगे, इंसान एक ले देंगा। इस सिलसिले फेल हो गई है मिस्टर आसिफ। अमरीकी माहिरीन का भी यही ख्याल है कि उन्होंने लत ठीक नहीं हो सकती। मायूस ना करो डॉक्टर साहब, उन्होंने 110 मुरबे जमीन है, अपनी लत ठीक कराने लियो अद्धी जागीर दे सकते हैं। उन्होंने लत किस तरह खराब हुई है सर? ओ मशहूर है कि उन्होंने किसी दुश्मन ने उन्होंने जहर पियाया सी, उदो दिया जुड़िया लत्ता हुण तक ठीक नहीं हुई। डॉक्टर साहब, रूप तारी सब की खल का तेल मलो, वो दो दिन च ठीक हो जाएगी। रूप तारी सप कितने मिलेगा? जो तेन इन्नी पछाण होंगी ना तो तू यह सवाल मेरे नाल ना करता। डॉक्टर साहब मैनू गोली लग गई है, जरा पट्टी कर दो। तेन गोली किने मारी? थाने रबड़ लिखवाई हो? पहले पर्चे भरो, थाने की रिपोर्ट लिखा देंगे। डॉक्टर साहब इधर देखो, डॉक्टर साहब को चलो। डॉक्टर साहब रोल नाल देखो, मैं सप की दहशत ही ना इन्हें जबान चल दी ना मुंह बंद हूं। तुम फिक्र ना करो, हमें ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब रोल नाल देखो, साडा साहब कट के पिंड की बंबी ज्यादा लगते ने। की गिला गिला लाउंडे तेरा मेरा मखौल है। मैं चलिए खाने मुद्दा मेरे तो पै गई।
खैर बेटा, मेरे ते सास उग गए सन। मेरा की कसूर है माजी, कुछ वक्त इन्हें जाया कर दिता, कुछ लड़दिया जाया हो गया। की मतलब? मतलब ते मैं आप समझ नहीं आया माजी, साढ़े खानदान ने ते कदी कीड़ी ते पैर नहीं रखिया, तेरे सानू कतल करने वाले कौन जम पे ने? इस दुनिया च दौलत तो बेटा केड़ा दुश्मन आंदे, जे करदे सारी जागीर नू अग ला दिया। कमाल बेटा, तू कल सारी जायदाद का सौदा कर ले, असी हमेशा ली लंदन चले जावांगे। इस दुनिया च इहो जी कोई थां नहीं माजी जिथे मौत ना होवे। पर तुसीं फिक्र ना करो, जेड़ी रात कब्र दे अंदर आनी है वो बाहर नहीं आ सकती, ते जड़ी बाहर है वो अंदर नहीं आ सकती। पर वो कौन सी? वो कौन? जिन्हें मेरी मौत नू मोड़ा देता, मेरी जान भी बचाई, ते कहंदा सी ए तेरे प्यो दा एहसान लाया। ए ते मरण वाला ही दस सकता है बेटा, तू उन कर लिया ना सी? कहंदा सी जिहदा अपना कोई कार ना होवे उन्हों दूसरे दे कार जान दा कोई हक नहीं। कमाल ने, चला बेटी तू उन्हें जाननी है? नहीं सी, फिर कमाल ने जाननी आंगी। जगह जदों बावां
वाली नजर शिकार होने की रीत मिस्र के बाजार तो पई ते आशिका लई राह खुल गए। पर मैं सुलेखा नहीं, तू यूसुफ नहीं। कौन है तू? मेरा नाम हुसन है। ए हुसन, उदास होया ते सरापा इंतजार बन गया। इंतजार की इंतहा हुई ते इश्क दा आगाज होया। इश्क की इंतहा हुई ते तू मिल पियो। तू मिल पियो ते होश उड़ गई। हूने बेहोश की दसे के कौन आ मैं। तू कौन है? तेरा साडे नाल की रिश्ता है? ऐसी तेनू अपनी मां दे सामने। पर तू ना खंडरा वाल क्या क्यों से? ओहो मां जी, तुसी ते अरे परेशान हो जांदे हो। ओ कुड़ी है कोई नागन ते नहीं जड़ी? अगे कुछ ना कहे, मैं एहो जी सरीली चीज दा नाम ही नहीं सुनना चाहती। मेरे नाल वादा कर कमाल, तू आई तो खंडरा वाल नहीं जाएगा। मां जी हुण मैं बच्चा नहीं रहा, तुसी डरदे क्यों? तैनू नहीं पता बेटा, उन्हां वीरानियां च इंसान नहीं बसते। नहीं मां जी नहीं, ए सब तुहाडा वहम है। नहीं कमाल, ये मेरा यकीन है। रूप इंसान दा हुंदा है पर उहदे पिछे हकीकत कुछ होर हुंदी है। भाभी, एक मां होने के नाते हुण तुहानू सब तो पहला कमाल दी शादी के बारे सोचना चाहिए। जिंदगी पहली बारी चंगे लगे अंकल जी। मैं सारी रात यो ही सोचता रहा वा कि किस तरह मां जी नू कवां कि हुण मैनू एक तो दो कर दो। तू हुक्म ते कर बेटा, मैं दो तो चार कर देनी हां। ते फिर मैं अपनी होण वाली बीवी दा चेहरा विखावा? तू नाम ही विखावे ते मैं समझ गई हां। मैनू ते पहले शक सी कि आंदियां ही शैला नाल शहर ते जाण दा मकसद की है। बिल्कुल ठीक समझो मां जी, शहर ने तो मैं जिंदगी भर का साथी दे देता है। भाभी हूं बिस्मिल्ला करके मेरा मुंह मिठा कराओ ते इंशाल्लाह अगले जुमे नू जंज लेके आ जाओ। क्यों, रानी तुहाडी बेटी? रानी केड़ी रानी? मेरे दिल दी रानी। तुसी बैठो, मैं हुणी उन्हूं लेके आया। आसिफ एक ही कह गए? तो लंदन में 20 साल रहता है, इतना सिर पे होना चाहिए है कि मुंडा मनमानी कर सके। ओ उनू शैला कीवे पसंद आ सकती है? ये शर्म है आदि तस्वीर ते ओ कलाबादा आदि कोई गलियां इस फिरन वाली कुड़ी ले आवेगा याद है? मेरी गलत सुना से? ओ मैंनो पता है भाभी, तू कमाल दी पसंद नहीं ठुकरा सकती ते मैं अपनी बेटी दा टूटिया दिल नहीं देख सकता। चल शैला उठो। तू की जाने आसिफ, कमाल पत्थर भी पसंद कर लेंदा ते मैं उन्नू भी ब्याह लेंदी। वो ते फिर रानी है। कमाल ने मंगनी तो इनकार नहीं कीता, अपनी मौत का ऐलान कीता है। उन्हें रानी लई तेनू ठुकरा के अपने नसीबा नू ठोकर मारी है। शैला ए रानी कौन है डैडी? जो भी है जगीर ते कदी राज नहीं करेगी। अगे सिर्फ कमाल नू कतल करना सी, उन दोवां नू मार दियांगा। माजी वेख नहीं सा,
चन तो निकल के एक टोली मेरी हवेली दे वेड़े च उतरी है ते उदे विचों मेरी नूह दे निकलदिया मेरी हवेली जगमग कर उठी है। तेरा है प्यार मेरे उन खाबा दी तबीर है कमाल। मेरी बहू एहो जी हो सकती है। कमाल बेटे शादी की तैयारी करो।
वेखी, निशान वेखी, ना खून का लिहाज किया, ना खानदान का वकार वेखिया। 14 पिंड के बराती जदों कुड़ी का हसब नसब पूछणगे ते की जवाब देवेगी? तेरा ये ते सोच भाभी, एहो जे डेकोरेशन पीस ते शहर च थां थां मिलते ने। तू गुस्से विच ए भी भुल रहा सिर्फ कि रानी इस इलाके दे सब तो वड्डे खानदान दी इज्जत ते होन वाली नूह है। तू भी भुल रही है भाभी, ताड़ दी डाकी किन्नी भी खूबसूरत ते खुश रंग होवे, मकबल दा हिस्सा कदी नहीं बन सकती। रानी चिको नक्शे आसिफ के वो गरीब है, असी फैसला कीता है ओनू अमीर करन लई अपनी अद्धी जागीर ओदे नाल ला दी। ते ओदे च खूबी ऐसी भी अंकल जेड़ी कायनात दी किसे लड़की च नहीं के ओ मेरी पसंद है। गलिया च फिरन वाली दा एक आशिक नहीं होंदा बेटे, ए ना होवे एक दी बने ते बाकी दे आशिक इंतकाम बन के आ जाए। तुसी अपने दिल दी आग बुझा के सिर्फ ब्याह दे चौल खान दी तैयारी करो अंकल, ऐसले के राने दी खातिर मैनु जीना ही नहीं मरना भी आंदा है। जिवें तेरी मर्जी पुत्र, तू ब्याह दी तैयारी कर ते मैं ते विच शरीक होण दी तैयारी करना वा। ए शादी नहीं होनी चाहिदी, जे शादी हो गई ते साडे घर च मातम हो जाएगा, हुण सानू तख्त या तख्ते दी बाजी लानी पवेगी। तुसी फिक्र ना करो चौधरी साहब, असी उस घर दियां इच्छा भी पूरी देंगे, पर ख्याल रखना उस ब्याह च मैं ते मेरी बेटी भी होवांगे। गोलियां चलाओ ते सानू बचा के चलाना। समझ नहीं आई चौधरी साहब, तुसी उस कतलगाह च की लैन जाना है? गल नू समझन दी कोशिश कर बेवकूफ, जे असी उस शादी च मौजूद ना होए ते पुलिस साडे ते शक करेगी। असी उत्थे मौजूद होवांगे, तुसी हमले दा आगाज करोगे, असी दौड़ जावांगे ते फिर आओ चौधरी साहब निकाह शुरू कराओ। चंगा होया तू आप ही सामने आ गया, नहीं ते कमाल नू कतल करन तो बाद असी तेनू लभना सी। हुण तुसी जिंदगी लभोगे पर जिंदगी तुहानू नहीं मिलेगी। इन्नियां गोलियां मारो तेरे बोतियां रह जान, होर कुछ ना बचे।
सारे कतल तू किते ने? कुछ देर साहब बाकी दे सारे कर देने सर। क्यों? मैं जिन्हें तक दुश्मन मारने ने उन्होंने विखा के ते पता करा कि मैं बयान की देने किधर दुश्मन ने किधर घर च ब्याह मां ये वो मोसे ने जिन्हें मेरी जान बचाई है। मेरे जिगर दे टोटे दिया नवाकफ पहरेदारा ऐस महफिल दा असल मेहमान ते तू है। जेरी मां तू है जेदे शौक पूरे करन तो पहला एदे दुश्मनां दी शनाख कर मां। दुश्मनां दा पता हुंदा या जना दियां लाशां शनाख करन आला भी कोई ना छड़दा। तेरा दुश्मन इस महफिल च मौजूद है कमाल। साडे घर दी चार दीवारी एक करुंडिया सप भी आनू गले नाल मेरे जे मांदरी दे बस पा दे अम्मा जी ए ना होवे ओ ढंग मारे ते तुसी पानी ना मंग सको। इना सारे दे चेहरे नू गौर नाल देख के मैनू दसो के ताडी आस्तीन दा सप इना चो किहड़ा हो सकता है। ऐसे दे सारे ही अपने यार ने ऐस कर दे दुश्मन ऐस कर दे अंदर नहीं बाहर है सर आप ही पछाण अपने ना सारे नु सौ के अखा खोल के रखन मैं तेरे दुश्मन तेरे सामने जा लगावा। लाशा अंदर ले आ साहब। चल के आने वाले मेहमानों जिस घर से कुछ लगते हो इन्हें मुर्दे की शनाख्त करो। ये इंसान ने तो फिर इंसान के दुश्मन के उतर जे सप ने तो फिर अली तस्तान ने के उतर जे खैर ने तो फिर इन्हें इस घर का रास्ता किने बखाया दसो तेरे चैनल कौन कौन जान रहे डरन वाले इंसानों कद नीवी पा के यह भी सोचा जे कि सप ने सप का रूप पीता हो अपनिया नस्ल तक लड़न की आदत सिर्फ इंसानों या कुत्तों है। रब ने तुम असफल मखलूकात बना के इस धरती से सिर्फ प्यार से मुहब्बत से पैदा किया जे तुसी सप बन के इंसानों ने लड़ना है तो फिर चलने लिए मां सदके दुश्मन की पछाण तो नहीं हो सकी पर सज्जन अपनी शनाख्त क्यों नहीं करवांदा? सच बोलिया ते डर जाएगी झूठ बोलिया ते मैं भी इंसान शामिल हो जाऊंगा। समझ ले के मैं जानवर हूं जानवर तेरे पुत्र दे ब्याह से इस तो बड़ा तोहफा और कुछ नहीं दे सकता। पूछ सकना के तू ऐस कर दा इन्ना हमदर क्यों है? तो कला याद रखी कमाल तेरे लिए इंसान ते तेरे दुश्मन लिए दादा। ए वो बंदा नहीं जिदे बारे तू कहने सब पर जांदा है। जी है बड़ा कुछ बनता जी पर जे नहीं बनता ते बंदे दा पुत्र नहीं जे बनता। तेनु बंद करो ओए मैं दे खिलाफ पर्चा कटना। अगे लग अगे अगे लग मैं तेरा कुछ नहीं जे लगता इसे वास्ते मैं तेरे नेड़े नहीं लगता। अगे लगो भाई जी अगे लग ओए जी वो दरवाजा खोलो टिब्बी ठाने की चुई
नहीं भाई जी वैसे भी सानू गलत फहमी जी हुई है भी गलत फहमी जी हुई है वैसे बंदर उल्लू दे पट्टे बोल ते सही होया की है मर गया मैं अब 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 साहब जी वो हो रहा है जी जेदा दासी जी साहब जी कल मैं भी कसमिया ओए मैं कहना कुछ बात ते सही देखो जी ले जाओ साहब जी ए पागल हो गया जे तू दफा हो जाओ ए नाले घर तो जाके कमाल दे घर दा पहरा दे ते पता कर उस घर दा दुश्मन कौन है समझ नहीं आती अचानक मेरे पुत्र दे इन्हें दुश्मन कित्थों जाम पे ने ए दुश्मन तेरे पुत्र ने आप पैदा कीते ने पर आसिफ आम तो बाद मेरे पुत्र ने सिर्फ प्यार कीता है या फिर व्याह यही दो काम तेने गलत कीते ने पाभी तुहानू याद होवेगा मैं दे व्याह करन तो पहला तुहानू खबरदार कीता सी कि गलिया ही चांजर छनका के फिरन वाली सोनी ते जवान कुड़ी दा एक आशिक नहीं होंदा नफरत न लावेक नीवी पाके सोच एन व्याह दे मौके ते हमला करन वाला कौन हो सकता है सिर्फ एदा कोई नाकाम माशिक अंकल बेटे हाली भी वेला है इनू तलाक दे दे तोड़ी बेहतरिया से अंकल कि तुसी मेरा घर खाली कर दो नहीं बेटे नहीं नाखून नालो मांस कदे जुदा नहीं होता मैं तेनू इस चाल इस कल्या छटके नहीं जावांगा भावे मैनू तेरी छत दे बजाए तेरे छित्र हेठ क्यों ना रहना पवे मैं रवांगा मैं इथे ही रवांगा बेटी साहब जी बाहर पुलिस आई है रानी तू माजी नू लेके अंदर जा मैं पता करना कि पुलिस की लेना आई है तुहानू ना सही पर मैनू बड़ा खतरा मैनू शाकिया पे कोई ना कोई सप मेरी वर्दी लुआवे लुआ ए पुलिस तोड़े वर्गे पागल कदों दे परती होण लग पए ने जदों दे सप तोड़े दुश्मन होया किसे सपनी नी चूंडी वड्डी होनी है तुसी जे साडी दुश्मनी दा पोल खुल गया ते असी सारे मारे जावांगे इस तो पहले कानून या कमाल नु साडी शनाखत हो जाए उनू खत्म कर दियो फिर सानू रोक के क्यों खलोते हो चौधरी साहब बारू ते खड़े भरा नहीं डैडी ऐसलाई के उठे पुलिस दा पैर आई ते फिर सानू इंतजार करना पवेगा डैडी ओ डैन अपनी सस्तियां लत्तां लई इलाज पे लब रही है चला बेटी उना लत्ता नू मैं बेकार कीता है वो कदी ठीक नहीं हो सकती है ऐस पईयो तो उतर के अपने पैरां ते खलोन ले तैयार हो जा मां रब ने मेरे हाथ विच तेरी तकदीर बदलन वाला तेल दे दिता है मां तेरी ये तसल्ली मेरा मस्त नहीं दूर कर सकती थी ये पर मेरे नाल तेरा प्यार जरूर सार करती है ए मोहब्बत ए होचिया रंग लियाएगी मां के तैनो एक रंग दी चीज सी सत रंगिया नजर आएगी सारा मालिश ते शुरू हो लेंदे जिस मर्स नु दूर करन ले एक एक मजार फिरिया मुलक पर दे डॉक्टरां नु वखाया हुन ए तेल दी मालिश किवें दूर कर सकती है सिर छड़ते बेटी ते समझ ले ऐ मिठी दी मुठ सिर्फ तड़े सिरां दे सदके देन ली साल ले रही है नहीं मां रब ने दुनिया च एहो जिहा मर्स
कोई नहीं उतारिया जिदा इलाज ना हो सके। वकील अपने मुलजिम नू ते डॉक्टर अपने मरीज नू तसल्ली देन ते मजबूर होंदे बेटी, तुम ही अपना चाह पूरा कर ले। परचा तेरा मैं काट देता है, पर मेरा अमला कहता है कि ये परचा कटन का कोई फायदा नहीं, क्यों जो तू सांप है। ए सच भी होवे साहब, फिर भी सांप तुम्हारे नालों ज्यादा खतरनाक नहीं होता। की मतलब? सब ते फिर भी किसी वेले अपना जहर उगल के बेजरर हो जाता है, पर तुसी ते हर वेले डंग मार दे हो ते हर एक नु मार दे हो। शट अप नालंग। ना चले जाए, ना बजे डंग, नालंग। मंडी साहब जी, ए जोगी लेके आया जी, ये को साई अख्तर दी टोली नी जी, नाल चार किन्नो भी ने हम नवा। मैं लबन थाने बैठा वा, मैं पता सी कि तू जरूर आवेगा। साहब जी मैं जिंदा नहीं छड़ना, मेरी बीवी का कातल है, मैं टूटे कर दिया ना। मेरी बीवी बचाओ। मैं तेन इस बीन वागू टोटे टोटे कर दिया ना। साहब जी मैं छोड़ दो, नहीं तो चढ़ाई को बचाएगा, मैं उन्होंने नहीं छोड़ा। Shut up, साहब जी इन गोली मार दो, ये रूप तारी सब पे। I say shut up। ओए ओए तुसी अपने नाल मैनू भी पागल समझते हो, ले जाओ इन। तू चंगी तरह जान, मैं तेनू जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब जी मेरी मनो, ए सब पे अपना पेट्रोल जाया ना करना, इन्हें जेल लीजिए पहुंचना। और चल चल ले आई रू इन आइए सर जी, दंगा भला बंदा थानू तो कुछ मर्ज मौत तक साथ देंदे ने दिए, हुन ते तुम्हें मायूस हो जा। मेरी मायूसी ना देख माँ, मेरी मालिशता मोजज़ा देख, उठ के खलो माँ। मेरे कोलों हिलिया नहीं जाता, ते तू कहनी है उठे खलो जा माँ। मैं जो कहनी है उठ माँ। ए तुहाडा पुत्र कमाल नहीं माँ जी, जे तुसी हुक्म करो ते जल्दी नब्ज रुक जाए, अपने अख्तियार दी हद देखनी है ते सानू हुक्म करो। क्यों जी? मजाक ना कर कमाल, ते परा होके मेरा कमाल दे। उठो माँ जी। एनु समझा पुत्र, सुके टहनी ते सावे पत्थर पे लपती है, मैं किने खलो जावा। ताडे च सरा हिम्मत नहीं माँ जी। नहीं ती है। ताडिया लत्ता च सरा चांद नहीं। बिल्कुल नहीं। एहो आसमान नहीं ते मैं इत्थे ने बिल लाए ने, ऐसे ही मौके दी तलाश च मैं तेरे पुत्र ते पट्टू पाया सी। रानी ऐ की कह रही है? रानी तेरा रोक है, तेरी सिल्म की नहीं पात है, इस कार दी इज्जत नहीं, इंतकाम है, 20 साल इंतकाम। तेरी है हिम्मत? साढ़े च हिम्मत पैदा करने नहीं, ए मेरा आखिरी हथियार सी। देखो तो सही माँ जी, तुसी अपने पैरों ते खलोते हो। मैं ठीक हो गई हाँ कमाल, मैं ठीक हो गई हाँ, रानी ने की कीता है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हाँ, बिल्कुल ठीक हो गई। ए मौजा है माँ जी मौजा, आज मेरे सामने मेरी जिंदगी का एक नवा मोड़ आया है, तेरे मोड़ मेरे सामने रानी लेके आई है। माँ सदके कार्य च बहुत कुछ लेके आंदियां ने, पर तू इन खुशियां लेके आएंगी है ते मैं सोच भी नहीं सकती। बोलती है इस आसान के बदले च मैं तेरे पैरों च तेल चुवा, सबके बारी चाव,
या फिर अपनी जिंदगी तेरे नामे ला दिया। सिर्फ मेरी मां बन के जिंदा रही ते मैं ऐ समझांगी मेरे हर एहसान की कीमत अदा हो गई है। डैडी डैडी कमाल की अम्मी की लता ठीक हुई है? नहीं अच्छा अच्छा की क्या है भाभी ठीक हो गई? हाँ मैंने गम ने दसा है वो अपनी अखा नाल वेख क्या है। ये किवें हो सकता है? ओदियां लत्तां ठीक करन लई रूप तारी सब दा तेल चाहिदा सी। उनू ए तेल किन्ने दिता है? ए राज ते सिर्फ जोगी दे सकता है। नहीं जोगी उनू तेल नहीं दे सकता। ए तेल कमाल ने पैदा कीता है या रानी ने? रानी रानी बंदा किन्ना भी चला क्यों ना होवे अखीर उदा असल रूप एक दिन सामने आ ही जांदा है। बड़ी देर बाद पता लगा है कि नागन मेरे कारिश क्यों आई है। बोल तो मेरे नाल ने धोखेबाजी क्यों कीती है? कमाल तैनु को ये पता लगा कि मैं धोखेबाज हां? ए होई पूछना चाहनी है ना? ए धोखा नहीं के तू मैनू दसे बगैर ही मेरी मां नु ठीक कर देता। कमाल तू ते मेरी जान ही कट दित्ती। जान ते अज कटांगा कुछ कंगन पाके कुछ जफ्फी पाके। ऐसे फंस गया? असी फंस गए हैं जनाब। ए ते फेर कंगन है। Yeah.
एडी पीड़ ने गलों दा रंग पीले एडी पीड़ ने गलों दा रंग पीले हाया का मेरा रूप रह गया हाया का मेरा रूप रह गया रे और रंग दा बीनी दे विच फंस के ले ही खत्म कर दिता जावे है खेल हुन तक तू साहब लटकाया चौधरी साहब नहीं डोगरा नहीं कतल सतगंदा दे पीछे भी बोलता है कतल करन तो बाद कानून तो बचन लई मंसूबा बंदी चाहिए तुसी कल रात ठीक 10 बजे कोठी दे पिछवाड़े आके कोठी दी छत ते चढ़ जा ओ टाइम सब दे खाने दा हुंदा है असी खाना खाने च मसरूफ होवांगे कमाल ते रानी जदों अपने बेडरूम च जान दोवां नूं कतल करके नस जाना फिर तुसी समझ जाओ कल रात 10 बजे ताडी भाभी बर्बाद हो जाएगी कमाल जी रानी कित्थे वे ओ ते मेरे तो भी पहले उतरी सी तेरे कोलों भी पहला उतरी सी छाते की भी आंदे भाभी किधरे डा कोई ना हो मैं देख क्या ना हो छत्ते तू से मैं तो बाथरूम च सा ते फिर तैनू सा क्यों चढ़े होया छत्ते बंदे सन उन्हां दा शोर सुन के मैं भी डर गई सा कौन हो सकता छत्ते कमाल 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 एवें नहीं नसे कमाल इधर वेख लाशां कालियां क्या हुई पियां पर इन्हां नूं होया की है इन्हां नूं सप लड़े है सप की गल है माँ जी तुहाडा रंग क्यों पीला पै गया बेटा मैनूं खुदा तों बाद सिर्फ सप कोलों डर आंदा है इह सप ते तुहाडे पुत्तर दे सिर दा साया लगदा है माँ जी तानू ते इस सब दा शुक्रिया अदा करना चाहिए इस सब किधरे तू ते नहीं नाल लेके आई इस घर ते हर दुश्मन ले सब तो वटी नाकन मैं आप रब दा हौसला जे सब दा जिक्र बंद कर दियो ये सब कभी किसी दा मित्र नहीं हुंदा पर इस सब मेरे कारिश कित्थों आ गया कमाल सवेर होने तो पहले पहले सप दे मारन दा सोच सप कोलो ना डरो माची इंसान कोलो डरो जेड़ा आसीन दा सप बन के टंग मारता है तू ठीक कह रही है रानी ए सप ना होंदा ए शायद जस्सी भी ना होंदी ओ जैसा भी है मेरे घर नु सप तो पाक कर दियो आसिफ जी भाभी जी सूरज चढ़दिया किसे चौकी नू लेके आ
जोगी है भाभी, जेड़ा सिर्फ लकीर वेख के दस देंदा है कि सब किथे वे। भाई तू जिंदा किस तरह, तेरे सिर ते सब, तेरे आगे सब, तेरे पीछे सब। पर सब की खुशबू आ रही है, सब की लकीर नहीं, सब मौजूद है पर वजूद नहीं। मैं तेरा मतलब नहीं समझी जोगिया। समझते सानू ही नहीं आई माई, बस इन्हें समझ ले या ए सपे या तू सपे। असी एक बारी फिर आवांगे माई, तू ना भी बुलाया ते जरूर आवांगे। ना रंग ना चले देर ना बजे टंग, बच्चा हूं मैनू यकीन हो गया है कि कमाल की बीवी रूप तारी सब है। एक ही कह रहे हो? हाँ, ऐसे लेते तेरी पापी ठीक हो गई है, उन्हें उन्हों अपने बदन का तेल मलिया, उन्हों का पोल खोलन ले। तुहानू मेरे मंसूबे ते अमल करना पवेगा। योगी बादशाह, योगी बादशाह, मैं तू सब कुछ करने ले तैयार हूं। ते फेरे पटारी ले जा। एदा डंगया ना पानी मंगता है ना आवाज करता है। मैं एनू कुल दस्ते पा के तेनू देगा, तेरा काम है एनू कमान नू तोहफे दे देना। या उदे बेडरूम च रख देना। फिर की होवेगा? नारंग फिर ती चलेगा सर ते नाले वजेगा तक। राती रात तू निकलेगा रानी रूप तारी तपे, क्यों ना गंदा रूप तार के एदे नाल मुकाबला करेगी। जाम औरत ते शोर समेत डंका के मर जाएगी। बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुलसत्ता मेरी शैला उन्हें तोहफे देगी। आशा
ਵਾਸਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਾਣੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਓਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਲੂਟਾਰੀ ਸੁਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਗਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 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 ਧੀਏ ਨਾ ਘਬਰਾ ਦੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਆਂਟੀ ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਏ ਆਪਣੀ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸਾਰੀ ਨਾਗਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਂਟੀ ਕਿ ਰੂਪ ਤਾਰੀ ਸਭ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਆਂਟੀ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਂਟੀ ਪਰ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਏ ਆਪਣੀ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਰੂਪ ਤਾਰੀ ਨਾਗਾ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾ ਪੁੱਤਰ जिस खंडर इस तू पहले भी टंगिया जा चुका है मेरे वजूद इचों ते हाले तक उस ढंग दी विस नहीं गई जे तू दूजी बारी टंगिया गया ते वहां मर जाएगी मां सके गोली मार दे कमाल गोली मार दे ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿੰਦਰ ਚੋ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਚੰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਇਹ ਨਾਗਨ ਹੈ ਨਾਗਨ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਗਨੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤਪਣੀ ਹੈ ਤਪਣੀ ਰਾਣੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੂਲੀ ਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ मैं पैरां दी मिट्टी ते चलन वाली सपनी नूं सिर रखां ते बिठाया गंदी मिट्टी सिर लुका के रहण वाली नूं मैं दी मालिक बनाया सिर तो लैके पैरां तक जहर भरे वजूद नूं अपनी जिंदगी समझ के सीने नाल लाया तैनूं झुलिया नहीं कड़े भर भर के दुध पियाया तू फेर नहीं मित्र रोज सपनी है जान निकल जाए तो दफा हो जा ਸਪਨੀ ਨੂੰ ਤੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੇ ਕਮਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖਾਈਦਾ ਇਹ ਨਾਗਨ ਰੂਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸੱਪ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
नीवी पा के अपने किरे पांच चाती ते मार तेन सब ते इंसान का फर्क दसा मैं सपनी एक डंग मारा ते तू पानी ना मंगे सोच ते सही ए डंग तेन अज तक क्यों नहीं बचिया जे तेन मारना मेरा मकसद हुंदा ते खंडर च कोच च सुते पैन मार देंदी संसार ते जमीन दा लालच इंसान नु कमाल सपनों में सपने तक खुद तक अपनी नहीं होती सोने दा नवाला खा के भी ना रचन वाले इंसानों सब ते मिट्टी चट के भी अपना पेट भर लेंदा के एस काटी दुश्मन हुंदी ते रात ते अंधेरे च तेरे काटी छत ते मौत बन के आन वाले नु कदी टंग ना मारती मैनु अपना ते अपने पुत्र तक दुश्मन समझन वाली है याद ही तेरी लाश ने रूप तारी सब ती खल दा तेल चलता सी इधर वे असी तेरी खातर अपनी खल दा तेल बना देता ते तू साडे खून दी प्यासी हो गई है तू खैस गल दा नहीं कि तुसी मैनु मारन लगे हो तू खै वे कि मैं सपनी बन के भी ताड़ी मित्र रही ते तुसी इंसान हो कभी मेरे ना बन सके मैनु मार दे जाना मैनु मार दे रानी इंसान अशरफ المخلوقات है मैं ते नहीं कहता कि हर इंसान सब बन जाए पर काश हज तो इंसान ने हुजे इंसान ना होता तेरे चे सब होता हो गए बदमाश ओए हम तीन थिली दे हो गए बदमाश ओए पुलिया ना सक चुम दे लाया खुट के महीने सीने नाल मेरे लम्बे लम्बे लहरा जवार बल्ला दी मेरा लक चुम दे
ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਿਲੀ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ ਏ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਚ कमाल तेरू की मां गायब करा दे रूप तारी सपनू मैं आप काबू कर लांगा तू फिक्र ही न कर नारंग दोवन अच्छी उस कार चो गायब करा देंगा दस सब कुछ होया किस तरह तैनू सब कुछ पता लग जाएगा मैं सब कुछ दस देंगी पहले मेरे प्यू की अधूरी लाश तक ते पहुंचो कमाल बेटे ए क्यों है अगे ते रास्ता ही बंद है माजी हम ते सब कुछ बंद हो जाएगा कमाल तेरा दाना पानी भी ते तेरे साह भी चल बाहर निकल पतिजे मैं तैनू एहो जिहा झूठा ड्रामा कर दिया शर्म नहीं आई ड्रामा कर दिया मैनू 20 साल हो गए ने भाभी ते इस ड्रामे दा आखिरी सीन बहुत मुश्किल सी अज समझ आया है ते अज जी तेरे खून नाल लिख देंगा चाचा ए तू कह रहे एदा मतलब है जेड़ा दुश्मन बार बार मौत बन के मेरे ते हमला करता रहा है वो तू से हाँ पति जी वो मैं सा ते वो भी मैं सा जिन 20 साल पहले तेरे पियो नू कतल कीता सा ते वो भी मैं सा जिन जहर पिया के तेरी मां नू माजूर कीता सी ते वो भी मैं सा इन्हें तीन बारी तेरे ते मौत का वार कीता पर तू हर बारी बच गया कदी तेनू अनजाने मोहसिन ने बचाया ते कदी सब ते सपनी ने बचाया पर आज आज तेनू कोई नहीं बचा सकता क्या गल है आज मैनू मेरा खुदा बचाएगा खुदा ने बुजदिल ते बेवकूफ का कदी साथ नहीं दिता इस गल का यकीन तुहानु कुछ देर बाद आवेगा जो तो नारंग रानी नु लिया के मेरे पैरां च सुटेगा नारंग ना चल दे दंग
अपनी माशूक नु पहचानी है नाए माए कहती सी मेरी नू चौदवी का चन्न है इस चौदवी दे चंदी एक पपी से गल है ना रंग ना चले जाए ना मजे दम ना रंग उन्नू इंसानी रूप च लिया इदे वजूद दी वंड पाइए दलील कमीने कुत्ते ना ना बेटे ना मेरिया इन्निया तरीफा ना कर कि मैनू किसे दी नजर लग जाए है तू मेरी बेटी जो ठुकराया इदे मुंह ते थप्पड़ मारिया मेनू बेइज्जत कीता मेरा कोई गुनाह मेरे कम नहीं आया अखीर अखीर कम आया तेज जोगी खुदा दी लाठी बड़ी पे आवाज ना रंग ओदे तेरे को डर मैं दबती अल तांगा कोई पैदा नहीं होया माई मैं हराम उल तैर इंसाना मेरे पे हर हराम से हलाल कीती गई है जिस तरह आज ऐनी जोर नाल ना बोल नहीं ते कोई नस फट जाएगी नस फट गई ते मर जाएगा मर जान दे नारंग मर जान दे मैं 110 मुरब्बे जमीन दा वारिस सिर्फ उदो बन सकना जदों ये मर जाए यदि मां मर जाए तो मरदियां मरदियां सब कुछ मेरे ना कर जाए सब कुछ लिखवा लो अंगूठे लवा लो पर मेरे पुत्र की जान बख्श दियो ए सौदा मेरे नाल कर माई मेरे को पूछ कि तेरा पुत्र तेनू किवें मिल सकता है ना रंग ना चले दे ना बचे ढंग जे दी जिंदगी चाहनी है तेनू को सदा ना मेरे हवाले कर दे ए तेरे बोले बगैर तो असें सिर दे देंगे और सिर सुट के कोई सौदा नहीं करांगे नहीं कमाल नहीं आज सिवाय सिरां दे सब कुछ दे देने रानी जे तेरे ते मेरा कोई हक है ते तैनू उस हक दा वास्ता ही एनू ओ खजाना दे दे मैनू अपने पुत्र दे सिवा कुछ नहीं चाहिदा कुछ नहीं चाहिदा वाह वाह कमाल दी मां ते कमाल दी मां है रब एहो जी मां हर पुत्र नू देवे क्यों ना ले तेरा की फैसला है सोचन की लग पई है रानी कुछ सिक्कियां दे बदले जे मेरे पुत्र दे सा बच सकदे ने ते बचाया है मेरे पीछे आ जा नारंग नारंग ना चल दे ना मजे डंग नारंग संदूक
सत रियासतां दा खजाना है नारंग। सत रियासतां दा खजाना नादर दिलावर शेरू। आओ देखो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। सत रियासतां दा खजाना हुण मैं अमीर बन गया। मैनू और कुछ नहीं चाहिए। मैं दुनिया का सब तू अमीर तख्त बन गया वा। इन्हू खोलो इन्हू खोलो। खजाना नहीं भुलिया नारंग ते मैं अपनी लाली का कतर किने भुल जावा। Thank you.
काम अगले जहान तक चलता है नारायण तो जिंदा शेखरे जहान सुट के क्यों भूल गया मैं अपनी लाली की कबर ते ओदा कतल भूल जा तनु चंगी तरह याद होगा छुरी ते दुश्मन सन अपने दुश्मन नाल की सोच के मेरे पुत्र नु डंग मारे ही जे मैं तेरे पुत्र नु डंग ना मारदा ते उन्हें कतल हो जाना सी एदा जहर ते रानी चूस लवेगी जे अज तक कानून ने सोचे ए सप्पा दी नहीं सप्पा तो ज्यादा खतरनाक इन साना दी कहानी सी सच्चा इश्क वेख के असे रब्बुल इज्जत कोलो सिर्फ एक दुआ मंगी सी रानी ते ओ दुआ कबूल हो गई है तेरा ए इंसानी रूप तनु हमेशा लिए बख्श दिता गया है खुश रहो ते आबाद रहो कच्ची नींद रे जगा लेंदा